हेलो गाइस, हम तेजस्वी मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम सब चल रहे हैं एक और ये आप सब वेशभूषा देख रहे होंगे। अभी हम सबका चाय बन रहा है, तो चाय पी के और निकलते हैं। और आप सबको जो कि संडे का ब्लॉग में आपने सबने देखा ही था, जो कि हम सब विद्यापति धाम गए हुए थे और अभी दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप सब कंटिन्यू बने रहिए, हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और गाड़ी पर चलिए चलते हैं। देख सकते हैं मंदिर जो कि अनवरपुर चौक का मंदिर है। नज़ारा बहुत ही सुंदर, देखिए कितना अच्छा से सजावट किया गया है यहाँ पर। और अभी हम सब चल रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आप सब कंटिन्यू बने रहिए। और अभी हम सब हाजीपुर पहुँच गए हैं। और आपको अगर कलेजा अगर जाना है तो आप सब सोनपुर होते हुए कलेजा धाम जा सकते हैं, बहुत ही आसानी से कलेजा धाम जा सकते हैं। जो कि सब चल रहे हैं कांवड़ लेने और बाबा जी का गंगा जल। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में सब जा रहे हैं। इधर देख सकते हैं और ये गांधी चौक का मंदिर है, कितना प्यार से सजाया हुआ है। देख सकते हैं बाबा नागेश्वर कोई ऐसी कुछ मंदिर है। तो इस वीडियो में आप सब कंटिन्यू बने रहिए, और ले चलते हैं अभी। देख सकते हैं दोस्तों, जो कि हम सब पहुँच गए हैं। और इधर देख सकते हैं जो कि चारों तरफ का नज़ारा जो कि बहुत ही सुंदर है। और इधर जो है पूरा ही कंटक खुला जाता है, गंगे जी है आगे आपको, मतलब कंटक और गंगा जी सेम हो जाता है। और देखिए बम सब आते हुए पूरा, बोले बाबा को जरूर आप सब कुछ मांगिए। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है पूरा यहाँ का नज़ारा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ देख सकते हैं जो कि फूल। और इधर ना अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है खूब, जो कि इधर मौसम भी बहुत ही ठंडा लग रहा है। और ये देख सकते हैं तो दोस्तों, हम सब सोनपुर आ चुके थे और इधर देख सकते हैं जो कि सोनपुर स्टेशन है। और अभी बारिश भी पड़ रही है, आप ये देख सकते हैं जो कि पूरा बारिश पड़ रही है। और तब पर भी हम सब चल रहे हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश तेज़ होने लगी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप सब कंटिन्यू बने रहिए और अभी हम सब चलते हैं जल बोझने के लिए। तो आप सब मिलते हैं। अगर देख सकते हैं दोस्तों, अभी गंगा स्नान की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर पूरा देख सकते हैं पूरा गंगा जी, अभी जो है ना काफी ज्यादा गंगा है। चलिए दोस्तों, अभी नहा के फिर मिलते हैं आपको, मिलते थोड़ी देर बाद। जगह खाली है, बहुत बड़ा गेट पर आप लोग खड़े होकर जाम कर देते हैं और आप लोग आगे बढ़ के संकल्प करवाएंगे। और उसके बाद ये पंडित जी हैं, संकल्प करवा के और तब चलेंगे हम सब जल बोझ के। देख सकते हैं हम लोग नहा लिया है और अभी पंडित जी आते हैं तो आगे का कार्यक्रम जो भी है वो करते हैं। तो वीडियो में आपसे कंटिन्यू बने रहिए और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। पंडित जी पहला गर्भवती जल्दी है, तू इन्हें चलावा, तू इन्हें चलावा।
दुन्नू की हल्का हाँ बोलो ओम आ पवित्र वा पवित्र वा ज्ञान भगवतो विवा यस्मरे कुंडले काष्ठं वेष्णु वेष्णु हरिओम तत्सम विष्णु बारह कल्पे जम्बू दीपे भारत खंडे आर्जा बढ़ते सावने मासे पक्षे बाबा गरीब स्थान बाबा गरीब स्थान जल भोजन जल संकल्प परिचानी ओम नो विद्या वस्तु वस्तु गोविंद गौरम कर्णावतारम संसार सारम बुजिनार सदा तो हम सब अभी निकल चुके हैं और देख सकते हैं पूरा दलबल बोल के चला ना चेक कीजिए पूरा। और अभी हम लोग चल रहे हैं गरीब स्थान, जो कि आप सबको पता ही होगा। गरीब स्थान मतलब बहुत ही माना जाना एक मंदिर है और यहाँ देख सकते हैं जो कि कितना अंधेरा है। स्पीड में सब बाइक सब जा रहा है। ये पूरा हाईवे है मुजफ्फरपुर टू हाजीपुर हाईवे है। और यहाँ पर देख सकते हैं ट्रक जो कि कामन पर चल रहा है, सब देख सकते हैं। और सब कामन से तो सूते हुए हैं, जो कि पैदल पैदल चलने वाले से हैं वो सब सूते हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जो कि हम सब अभी रुके थे चाय पीने के लिए। और इधर देख सकते हैं इधर का नज़ारा, जो कि ये यही स्टॉल पर चाय पी रहे हैं और अभी ऑर्डर कर दिए हैं तो अभी लेके आ रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं जो कि सभी बम सब जो है वो अभी सभी चल रहे हैं। यहाँ इस तरफ जो है गरीब स्थान के जाने का रास्ता है। तो आप सब दोस्तों देख सकते हैं ये मुजफ्फरपुर हाईवे है और बहुत ही आसानी से मतलब पहलेजा घाट से आप मुजफ्फरपुर गरीब स्थान पहुंच सकते हैं। तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों, जो कि अभी मुजफ्फरपुर हम सब पहुंचने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं जो कि मंदिर बहुत ही अच्छा सजाया गया है, जो कि काली जी का मंदिर है। तो दोस्तों हम सब मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं और अभी इस गाड़ी वहीं लगा दिए हैं और अभी थोड़ी दूर पर ही है
जो कि गरीब स्थान, और अभी हम सब चल रहे हैं। जब देख सकते हैं पूरा रोड जो ये सब जल ढार के आ रहे हैं इस साइड से, और ये सब जो जा रहे हैं जल ढारने जा रहे हैं। तो आप सब कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। और जो अभी हम सब ले चल रहे हैं गरीब स्थान मंदिर, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है। बोल पाम बोल पाम बोल पाम। देख सकते हैं दोस्तों जो कि घंटा घर कहा जाता है, देखिए कितना। और लेके चलते हैं, मैं टाइम दिखा रहा है कि ना पंडित जी, गलती टाइम एक को सुइए है। हाँ 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 ठीक टाइम दिखा रहा है। मंदिर के ने सीधे है ना, हाँ मंदिर सीधे है, सीधे है। यहाँ का मिला गरीब स्थान मिला। देखिए ढोलक, और अभी हम सब जल ढारने चल रहे हैं। तो अभी कुछ लेंगे नहीं सामान, उधर से आएंगे तब प्रसादी सब लेंगे। तो आप सब कंटिन्यू में बने रहिए इस वीडियो में, और ऐसे ही धमाका वीडियो आने वाला है। तो प्लीज़ आप सब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा भी पार्ट अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। और चलिए दोस्तों हम सब आ गए गरीब स्थान। तो अभी जो है मौका नहीं है मिल पाएगा, मतलब वीडियो बनाने का, तो पूजा हम सब कर लेते हैं, उसके बाद आपको फिर दोबारा मिलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ देवघर मेले का नज़ारा, और काफ़ी ज़्यादा अभी ना भीड़ लगी हुई है यहाँ, देख सकते हैं जो कि आज जो है चौथी सोमारी है, और चौथी सोमारी में काफ़ी ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर पूरा देख सकते हैं कितने बहुत परिश्रम से यहाँ पर आते हैं लोग, और जल भी ढार पाते हैं। यहाँ देखिए पूरा मेले का नज़ारा। ये देखिए पेड़े सबकी दुकान,
देखिए मज़ार भी है, आप देख सकते हैं, जो कि हिंदू और मुस्लिम का सब भाई भाई। और ये देखिए पूरा मज़ार भी बना हुआ है, ऐसा नहीं जो हिंदुओं के लिए है, सब मुस्लिम भाई सब के लिए है। पूरा मेले का नज़ारा आप सब चेक कीजिए। चलो देखिए दोस्तों क्या हुआ है। चलो 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 बढ़े ना भाई जी हो। देख सकते हैं दोस्तों जो कि देख सकते हैं दोस्तों जो कि काफी ज्यादा अभी भीड़ लगा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों जो कि हम सब मुजफ्फरपुर गरीब स्थान मंदिर, और ये आप यहाँ देख सकते हैं जो कि गरीब स्थान मंदिर और बहुत ही सजावट किया गया है। और अभी मैं आप सबको जूम करके दिखलाऊंगा, थोड़ा आगे अगर बढ़ जाते हैं तो, और बहुत ही मतलब प्यारा सजाया गया। और सब यहाँ सब देख सकते हैं जो वॉलेंटियर भी सब हैं, और यहाँ देख सकते हैं गरीब स्थान, और इधर सब वॉलेंटियर जो कि, और ये देखिए यही एक गरीब स्थान मंदिर का जो बहुत लंबा लेंथ जैसे कुतुब मीनार है वैसे लेंथ बनाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो कितनी तादाद में भीड़ अभी लगी हुई है, आज चौथी सोमवारी है, तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों। और ये कब वीडियो आएगा इसका कोई पता नहीं, कि इसलिए कि उसे मेरा तबीयत ख़राब है इस वजह से, जो ये कब आएगा वीडियो उसका अभी कुछ पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं गरीब स्थान दोस्तों, पूरा वीडियो गरीब स्थान का आप सब ज़रूर देखें। और यहाँ आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ लगी है, और LED लगा हुआ आप देख सकते हैं, जूम करके और दिखलाता हूँ। ये देखिए आप सब यहाँ जल ढारिएगा, और बाबा के पास जब जल जाता है तो वही आप सबको भी दिखाई देगा। और ये सब वॉलेंटियर जो आप अंदर प्रांगण में देख रहे हैं, तो
यही सब वॉलेंटियर सब जो आगे बढ़ाते चलते हैं और भीड़ को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं ये सब भी। और यहाँ आप देख सकते हैं जो कि अभी तो दोस्तों हम सब ने जल ढार दिया है और अभी हम सब चल रहे घर की ओर। और आप सब ने देखा ही क्योंकि कितना तकलीफ से सब आदमी आते हैं, तो अब चलते हैं घर। इस वीडियो में आपको कंटिन्यू बने रहिए, पूरा मेले का नज़ारा चेक करें। सब ने गरीब स्थान जल ढार दिया था, अच्छे से ढारा क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ कम था। मतलब ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, बिगड़ा बहुत ही कम था, इस वजह से जल्दी घर आ गया। और यहाँ का नज़ारा चेक कीजिए पूरा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करता है आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। टिल देन बाय बाय, बी सेफ एंड राइट सेफ। बाय 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 बाय।